إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني قال الله تعالى عز وجل كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين محترم سامعین قربانی صرف جانور پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے صرف جانور خرید کر اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھانے کا نام نہیں ہے قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کی مختلف ڈشیں بنا کر کھانے کا اور مزے لینے کا نام نہیں ہے بلکہ میرے بھائیو قربانی ایک عظیم فلسفہ ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی بے پناہ اور بہت بڑی بڑی عظیم حکمتیں پنہاں ہیں چھپی ہوئی ہیں انسان کو چاہیے کہ ان حکمتوں تک پہنچے اس فلسفے کی کھوج میں ہو اس حکمت کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھ دی ہیں اور جو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے سبق دیتا ہے اور جو اللہ رب العزت اس قربانی والے عمل کے ذریعے سے مسلمان کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہے اس کو ایک طریقے پر چلانا چاہتا ہے ان حقائق کو دیکھنا ان کے اوپر غور و فکر کرنا ان اسباق کو تلاش کرنا
कुर्बानी सिर्फ़ ज़ाहरी है, जो एक तो है ज़ाहरी अमल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया हर एक मुस्तती मुसलमान पर जिसके ऊपर ताकत है उसने कुर्बानी करनी है, लेकिन ये सिर्फ़ ज़ाहरी अमल नहीं, इसके बातिन के अंदर जाओ ये अपने अंदर किन हिकमतों को लिए हुए है। मेरे भाइयों, कुर्बानी एक अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अज़ीम हुक्म है, एक अज़ीम सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेकी का हुक्म दिया है, कोई भी नेकी का अमल है, वो कुर्बानी हो, नमाज हो, हज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, कोई भी अमल, उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, उसके बग़ैर कोई अमल अमल नहीं है, उसके बग़ैर कोई भी अच्छे अमल का हुसन बाकी नहीं रहता, उसके वजूद में उसके आने की वजह से, उस चीज़ के होने की वजह से एक अमल को चार चांद लग जाते हैं, खूबसूरती मिल जाती है। लेकिन अगर वो चीज़ मौजूद ना हो किसी भी अमल के अंदर, वो हज है, नमाज है, रोज़ा है, कुर्बानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ऐसे अमल को सनद कबूलियत नहीं बख्शी जाती। वो अमल है इखलास। अगर आपके अंदर इखलास नहीं है, आप सच्चे नहीं हैं, आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, आप अपनी वाह वाह करने के लिए, या बस चलो यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत तो दी है, कंजूसी सारे साल में करते हैं, वैसे नहीं खा सकते, तो अब कुर्बानी का जानवर दिन आ ही गए हैं, सारे कर रहे हैं, चल मैं भी कर लेता हूँ, कुर्बानी का गोश्त खाने को मिल जाएगा, कोई घर के अंदर डिशे वगैरह पका लेंगे, कोई टिक्के शिक्के बनाकर खाएंगे, इस तरह की नीयतें हों तो फिर ऐसी कुर्बानी की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ऐसी कबूलियत को सनद कबूलियत नहीं बख्शी जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कुर्बानी चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कुर्बानी चाहता है आपसे कि इखलास हो कमाल दर्जे का रब्बुल आलमीन के लिए। कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व मवाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाते हैं, ए नबी आप कह दो इनसे, बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, बेशक मेरा ज़िंदा रहना और मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मेरे अपने लिए नहीं है, ये मेरी अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ये मेरी वाह वाह के लिए और बड़ा नेक इंसान बनने के लिए नहीं है। लोग कहें भाई बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करने वाला है, इससे बड़ा तो सखी कोई नहीं, इससे बड़ा तो इबादत गुजार कोई नहीं। नहीं पैगम्बर, आपका तरीक़ेकार ये नहीं होना चाहिए। आपकी उम्मत का हर मुसलमान इस पर गौर करे, आप में से किसी का, न मेरा न आपका, ऐसा तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए। हर अमल के अंदर इखलास देखो। इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में कुर्बानी का ख़ास लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाया। व नुसुकी, पैगम्बर आप कह दो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ लिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की रज़ा के वास्ते, उसको राज़ी करने के लिए, खालिस उसी के लिए। उदुल्लाह मुखलिसीन अलाउद्दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अल्लाह को पुकारो खालिस होकर, खालिस इखलास के साथ। अगर तुम्हारे अंदर इखलास नहीं है, तुम नमाज़ें पढ़ते रहो, तुम हज करते रहो, तुम ज़कातें देते रहो, सब चीज़ें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी, कोई हैसियत नहीं है इनकी, इनके अंदर अमल, इस अमल के अंदर, तमाम हर अमल के अंदर खूबसूरती तब पैदा होगी जब तुम रब्बुल आलमीन के साथ खालिस हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर इखलास पैदा आ जाएगा। इखलास का सबक देती है कुर्बानी। इसी तरह मेरे भाइयों, कुर्बानी तकवे का सबक देती है। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर तकवा नहीं आ रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ नहीं आ रहा जो होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर आपके अंदर पैदा नहीं हो रहा, फिर समझो आपने कुर्बानी की ही नहीं। अल्लाह फरमाता है कुरान में, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम। लोगो गौर करो, हमारी बात गौर से सुन लो, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को ना तुम्हारी कुर्बानी का खून पहुँचता है ना तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है। खून तो बह जाता है ज़मीन पर और गोश्त तुम खा जाते हो, वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुँचता है तकवा। नीयत किसकी खालिस है, किसके दिल के अंदर मेरा डर है, कौन मुझे राज़ी करने के लिए ये काम कर रहा है, कौन अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, कौन अपनी बड़ाई के लिए, अपनी वाह वाह करने के लिए, फ़लाँ ने भाई बड़ी अच्छी कुर्बानी की, फ़लाँ का तो बकरा बड़ा जानदार और बड़ा शानदार था, अपनी वाह वाह के लिए, गोश्त खाने के लिए और किसी भी चीज़ किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अगर तकवा ना हो फिर कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी इस कुर्बानी की। वला कि यनालहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह चाहता है इस कुर्बानी के ज़रिए तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाए। अगर ये चीज़ मिल रही है, हासिल हो रही है, ये मकसद पूरा हो रहा है कुर्बानी से,
फिर तो कुर्बानी ठीक है, वरना मेरे भाइयों फिर कुर्बानी पर गौर करना चाहिए। इसी तरह कुर्बानी से तौहीद का सबक मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जो फिर मुशरिकीन मक्का थे वो अपने बुतों के नाम पर, लात मनात उज़्ज़ा के नाम पर वो जानवर ज़िबा किया करते थे, कुर्बान किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को हुक्म दिया, मोमिनो तुम कुर्बानी करो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत मैंने पहले भी आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुर्बानी भी करो तो एक अल्लाह के लिए करो। तौहीद कुर्बानी तौहीद का दरस देती है। कोई भी नेकी का अमल है खालिसतन अल्लाह के लिए, एक अल्लाह के लिए। फला तदउम अल्लाह अहदा, अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो। कोई भी नेकी का अमल है, हमारी काम तो है ये फलाँ के सदके, अल्लाह नज़र अल्लाह की न्याज हुसैन, फलक, बहुत सारे जुमले आपके जहनों के अंदर होंगे जो हमारे उर्फ के अंदर बोले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह फरमाए। मेरे भाइयों कोई भी नेकी का अमल है अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना दोगे, शामिल कर लोगे, अल्लाह के साथ कोई हमसर बना दोगे, अल्लाह के लिए भी फ़लाँ के लिए भी, अल्लाह के लिए भी फ़लाँ के लिए भी, नज़र अल्लाह की न्याज फ़लाँ की फ़लाँ की, ऐसा कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, वाज़े कुरान के लफ्ज़ हैं, व ममाती लिल्लाहि व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कुर्बानी भी कर रहा हूँ तो खालिस अल्लाह के लिए, मैं नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ तो खालिस अल्लाह के लिए, मेरी ज़िंदगी में ज़िंदा हूँ तो खालिस अल्लाह के लिए, मतलब मेरी ज़िंदगी का हर अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। मैं नज़र अल्लाह की न्याज फ़लाँ की देने वाला नहीं हूँ, मेरी नज़र भी अल्लाह की, मेरी न्याज भी अल्लाह की, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह की, मेरी नमाज भी अल्लाह की, मेरा ज़िंदा रहना भी अल्लाह के लिए, मेरा इस दुनिया से जाना मरना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। वमामाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं किसी और मकसद के लिए, किसी और शख्सियत के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं मर रहा, मैं किसी और के लिए नहीं जी रहा, मेरा जीना भी रब्बुल आलमीन के लिए, मेरा मरना भी रब्बुल आलमीन के लिए। यह तौहीद का दरस देती है कुर्बानी। कुर्बानी करो इसके बाद भी तुम शिरक पर कायम रहो, कुर्बानी करो इसके बावजूद तुम्हारे अंदर शिरकिया अकवाल पाए जाएँ, शिरकिया बातें पाई जाएँ और शिरकिया अफ़ाल तुम्हारे अंदर मौजूद हों, फिर तुम्हारी कुर्बानी की कोई हैसियत नहीं, तुमने उस मकसद को हासिल ही नहीं किया, तुम उस मकसद तक पहुँचे ही नहीं। वो हिकमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है इसकी, उसको तुमने पहचाना ही नहीं है, तुम उस तक पहुँचे ही नहीं हो। मेरे भाइयों इसी तरह कुर्बानी दरस देती है मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का। और आप और मैं, हम सादा लोग मुसलमान ये समझते हैं मिल्लत इब्राहिमी तो बस ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की थी, हम भी कर लेते हैं, अब हम मिल्लत इब्राहीम के पैरोकार हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। मेरे भाइयों बात ये नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी का हुक्म दिया गया, फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करो। जिस तरह इब्राहीम ने तौहीद की बात की तुम भी करो, जिस तरह इब्राहीम ने शिर्क किया अकायद को और मुशरिक लोगों को और जिनको अल्लाह के साथ शरीक बनाया जाता था उनके साथ बरात का इजहार किया, उनके लिए रब्बुल आलमीन की तौहीद के लिए कुर्बानियाँ दी, हिजरतें की, अपने घर बार को छोड़ा, अपनी जान तक अल्लाह खुद तारीफ कर रहा है कैसी अजीम हस्ती है, ऐसा अजीम इंसान कायनात के अंदर भी जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ करे। इस काल लहू रब्बू अस्लिम, रब फरमाता है जब भी मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा, जब भी इब्राहीम को हमने कहा इब्राहीम यह काम करना है, असलम मुती हो जा, फरमा बरदार हो जा, ये बात आपने माननी है, असलम तो रब्बिल आलमीन, फौरन ताबी हो गया। ये नहीं देखा मेरा ख़ानदान, मेरे आबाओ अजदाद, यार ये मैं बात करूँगा, काम करूँगा तो मेरी बरादरी ख़िलाफ़ हो जाएगी, मेरा मुआशरा ख़िलाफ़ हो जाएगा, मेरे जमाती मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, मेरी औलाद मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगी, मेरे माँ बाप मेरे दोस्त अहबाब यार छूट जाएंगे, जिन मजलिसों में बैठा करता हूँ ये लोग तो मेरे साथ बैठेंगे नहीं, ये मेरे साथ कतअ ताल्लुक ही कर लेंगे। इब्राहीम का अंदाज़ ये नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की तौहीद का परचम लेकर खड़े होते हैं और उस परचम के नीचे जो आए ठीक, वरना इब्राहीम अकेला तौहीद का परचम लेकर खड़ा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी लाज रखी, इन्ना इब्राहीम अकाना उम्मतन वाहिदा, तुम इब्राहीम को मेज़ानों में तोल रहे हो, तुम ये कह रहे हो एक तरफ बादशाह है एक तरफ इतनी बड़ी कौम है, इब्राहीम अकेला, यार अकेले की बात सच कैसे हो सकती है, तुम इनको इब्राहीम को इनके मेज़ान के एक पलड़े में इसको और इसको रख रहे हो, इस जैसे हज़ारों करोड़ों अरबों इंसान क्यों ना हो मुशरिक, इब्राहीम के जूते की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। इन्ना इब्राहीम अकाना उम्मतन वाहिदा, अकेला था लेकिन पूरी उम्मत था, एक पैगाम था, एक सोच थी, एक अहद था, एक इस्तेमार के खिलाफ
कुफ्र और शिरक और इल्हाद के खिलाफ एक पूरी जमात था, एक पूरी उम्मत था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी की हुक्म दिया जा रहा है, फत्तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीन मअह, और ईमान वालो तुम्हारे लिए इब्राहीम की सुन्नत के अंदर, इब्राहीम के तरीके के अंदर, इब्राहीम के दीन के अंदर तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, पैरवी करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जैसे उसने कुर्बानियाँ दी तुम्हें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, अगर वैसे वैसे कुर्बानियाँ देते चले जाओगे, अपने आप को ताबे करते चले जाओगे, अपनी अना अपनी बहम मारते चले जाओगे, अपनी अकलों को अपने ख़ानदान अपने आबाव अजदाद को रब्बुल आलमीन की खालिस रज़ा के लिए छोड़ते चले जाओगे, इब्राहीम का नाम रहती दुनिया तक है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, हमने मोहम्मद जैसे इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया है कि इब्राहीम का तज़किरा करो, रहती दुनिया तक इब्राहीम का नाम है। जो जो इसकी पैरवी करेगा, वल्लज़ीना मअह, जो इसके साथ ईमान लाएगा, इसका साथ देगा, इसकी मिल्लत की पैरवी करेगा, रहती दुनिया तक उसका भी नाम होगा, आखिरत में भी वो उसकी वही बादशाह होगा, जन्नत के अंदर भी उसे भेजा जाएगा, जन्नत के मकानों का हकदार भी वो बनेगा, जन्नत के अंदर महल भी उसी को मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, ये है सबक कुर्बानी का, ये कुर्बानी हमें हुक्म देती है, कुर्बानी से ये बातें हमें हासिल होती हैं। इसी तरह कुर्बानी हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा फरमाबरदारी का भी दरस देती है, और ये दरस देती है कि मोहम्मद की सुन्नत से हटकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुर्बानी भी करोगे, अगर नमाज भी पढ़ोगे, अगर हज और ज़कात भी दोगे, जो नेकी का अमल करना चाहो तुम, जिसे तुम खुद अपने जहन के अंदर नेकी का अमल समझते हो, लेकिन अगर तरीक़े मुस्तफ़ा से तुम हट गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा हज, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। वो मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि एक सहाबी ने आप अलैहिस्सलाम के नमाज पढ़ने से कबल कुर्बानी कर ली थी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा है, अबू दरदा गालबन उनका नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, ऐ फला साहबी आपने ये काम क्यों किया, कुर्बानी आपने कर ली, यह जानवर आपने ज़िबा कर दिया। या रसूलल्लाह इसलिए, नीयत देखो कितनी अच्छी है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि मैं कुर्बानी जल्दी करूं ताकि सबसे पहले लोगों के घरों में जो गोश्त पहुंचे वो मेरे घर से पहुँचे, मैं चाहता हूँ कि गरीबों के घर में, लोगों के घर में जो चूल्हे जलें तो उसकी वजह और सबब मैं बनूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अजर व सवाब अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबी तेरी सोच बड़ी अच्छी है, तेरा दिल खालिस है, वाकई तेरी नीयत बड़ी अच्छी है, लेकिन ये काम मेरे तरीके से हटकर है। मेरा तरीका ये है कि नमाज के बाद कुर्बानी करनी है, और इस तरीके से हटकर अगर तुम कुर्बानी भी करोगे तो कुर्बानी तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी, आपने इसकी जगह पर दूसरी कुर्बानी करनी है। उस सहाबी ने दूसरी कुर्बानी की, लेकिन मेरे भाइयों हमारा अमल क्या है, हम नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं लेकिन कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया कि इसमें मोहम्मद का तरीका क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये लिखी हुई मेहराब के अंदर आपके सामने मौजूद, सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। आप क्या समझते हो मैंने आ गया हूं अल्लाह के घर के अंदर, मैंने नमाज पढ़ ली, जैसी तैसी पढ़ लूं कबूल कर ली जाएगी, जैसी तैसी पढ़ लूं बस मेरी अपनी मर्जी है। नहीं, सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मोहम्मद को नमाज पढ़ते हुए तुमने देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने देखा, ताबीन को बताया, उन्होंने तबा ताबीन को बतलाते चले गए। आज अल्लाह के फजल से अल्लाह का पूरा दीन महफूज है, ये सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, ये मौता इमाम मालिक, ये मुसनद इमाम अहमद इब्ने हम्बल, बड़ी बड़ी हदीस की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइब्रेरी में सब मौजूद हैं। आपको ज़रूर इससे इस्तिफादा करना चाहिए, खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार क्या है। मेरे भाइयों, गौर करने वाली बात है, अगर मैं 5 टाइम नमाज भी पढ़ूँ, मैं ज़कात भी दूँ, मैं सदका और खैरात भी करूँ, लेकिन सारे काम ये मेरे मोहम्मद की सुन्नत से हट कर हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार से हट कर हों, तो ना नमाज कबूल की जाएगी, ना सदकात कबूल किए जाएंगे, ना ज़कात कबूल की जाएगी। नमाज पढ़ते हो ऐसे पढ़ो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, ऐसे मत पढ़ो कि मेरे उस्ताद ने ये सिखाई है, मेरे बाप ने ये सिखाई है, मुझे फ़लाँ ने सिखाई है, फ़लाँ ने सिखाई है। गौर व फिक्र करो, दुनिया के मामलों पर तो बड़ा गौर व फिक्र करते हो, बड़ी सोचो विचार करते हो, कोई भी कारोबार कर रहा हो पहले कई कई दिन, कई कई महीने और कई कई साल उसके ऊपर सोचते हो, प्लानिंग करते हो, क्या इसके अंदर फ़वाद हैं, क्या इसके अंदर मुजमरात हैं,
क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, किस किस चीज़ के अंदर किस किस तरह काम करूं तो फ़ायदेमंद होगा। लेकिन दीन के कामों, दीन को तुमने इतना सस्ता समझ लिया है, बस जैसे कर लो यार, ठीक है जैसे भी कर लो। नहीं, कुर्बानी ये दरस देती है, कुर्बानी ये सबक देती है कि जो काम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर होगा वही कबूल किया जाएगा। जो काम भी, चाहे वो फिर कुर्बानी ही क्यों ना हो, इतना अजीम अमल ही क्यों ना हो, मोहम्मद के तरीके से हटकर, टाइम का ही सिर्फ फ़र्क है ना, नमाज से पहले उसने की, नमाज के बाद करनी चाहिए थी, लेकिन कुर्बानी कबूल नहीं की गई। ये कुर्बानी जैसा अमल भी कबूल नहीं किया गया, रद्द कर दिया गया। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। स्टैंप मोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। क़यामत के दिन जो मेज़ान लगेगा, जो अमल तोले जाएंगे, जिसके ऊपर, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मौजूद होगी, ये काम मोहम्मद ही है, ठीक है हम इसको कबूल करते हैं। इसके अलावा अगर मोहम्मद की मोहर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तरीक़ेकार से हट कर है, आपकी सुन्नत से हट कर है, फिर नमाजें हों मुँह पर मार दी जाएंगी, हज हो मुँह पर मार दिए जाएंगे, रोज़े ज़कातें सब मुंह पर मार दी जाएंगी, कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि तरीक़े मुस्तफ़ा से हट गया तो कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं करता। कोई अमल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नेकी का काम नहीं है। नेकी का काम ये है, अमल अच्छा अमल ये है, अहसन अमल ये है कि जो काम भी आप कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर करें। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी के बड़े बड़े सबक मैंने आपके सामने बयान किए। कुर्बानी ये अजीम सबक देती है। इसके अलावा कुर्बानी के अंदर अजीम फ़लसफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दिया, अजीम हिकमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दी, अजीम बड़े बड़े सबक देती है कुर्बानी। कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह के अंदर सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं, बल्कि हर मुसलमान अपने दिल के अंदर ये तमन्ना रखे, ये आरजू रखे और ये पुख्ता ईमान रखे, जब भी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को मेरे माल की ज़रूरत पेश आई, मैं अपना माल हाजिर कर दूंगा। जब भी रब्बुल आलमीन के राह के अंदर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए आवाज़ा लगा, ग़ज़वा हिंद का आवाज़ा लगा, मैं अपनी जान, अपने बच्चे, अपने बीवी सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, हर चीज़ अल्लाह की राह के अंदर दे दूंगा। जानवर कुर्बान करना सिर्फ ये मकसद नहीं है कि जानवर दे देना, नहीं, या अल्लाह तेरे दीन के लिए अगर ज़रूरत पड़ी, ऐसा कोई टाइम आ गया मुस्तकबिल के अंदर, वक़्त आ गया कि जिहाद के लिए आवाज़ा लगा, एलाए करीमतुल्लाह के लिए आवाज़ा लगा, तो मैं अपनी जान भी तेरी राह के अंदर पेश कर दूंगा, ये जान तेरी है। फल युकातिल फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना यशरून अल हयात अद्दुनिया बिल आखिरा, तेरी राह के अंदर तूने हुक्म दिया है किताल का, जिहाद का, जान भी ले जाऊँगा, माल भी ले जाऊँगा, सब कुछ तेरी राह के अंदर कुर्बान कर दूंगा। अगर ये सारे मकासद, ये सारी बातें कुर्बानी से हासिल हो रही हैं, कुर्बानी भी कर रहा हूँ, दुनिया की मोहब्बत भी है, मरना भी नहीं चाहता हूँ, या अल्लाह हर साल तेरे राह के अंदर एक जानवर तो दे रहा हूँ, अब तू मेरी जान भी मांग रहा है, या रब्बुल आलमीन तू माल भी मांग रहा है, मैं नहीं देता, कुर्बानी से मुझे कोई सबक, वो मकसद हासिल नहीं हुआ जो कुर्बानी का मकसद था। कुर्बानी का मकसद ये है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे इंसान, फलम्मा बलग माहु सैया, बुढ़ापे में मिला एक बच्चा, इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में दुआएँ मांग मांग कर लिया, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अब यह बच्चा जवान हुआ, बाप के बाजू बनने के लायक हुआ, बाप का सहारा बनने के लायक हुआ, फलम्मा बलग माहु सैया, जवानी पर पहुंचा, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु कफ़न्ज़ुर माज़ा तरा, काला या अबति फलमा तो उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनश्शाकिरीन। अब ये जवानी को पहुंचा है ये बच्चा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ, ख्वाब में, अंबिया का ख्वाब भी वही हुआ करता है, सच हुआ करता है, हकीकत हुआ करता है, ख्वाब में देखा मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, बेटा ख्वाब में आपको देख रहा हूँ कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, या बतिफ अलमात उमर, अबू जान अल्लाह का हुक्म है तो फिर इंतज़ार किस बात का, फिर सोच क्या रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, इब्राहिम की सीरत, इब्राहिम का दीन ये सबक देता है कि नफ़ा और नुकसान को सोचे बगैर दीन के ऊपर अमल कर गुजरो। नफ़ा हो, नफ़ा तुम्हें नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अगर बज़ाहिर नुकसान तुम्हें नज़र आ रहा है लेकिन अल्लाह का हुक्म है कर गुजरो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर भी तुम्हें फ़ायदे देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर भी तुम्हारे लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेपनाह हिकमतें होंगी, अल्लाह तुम्हारे लिए पता नहीं कितने खैर के दरवाजे लेगा। अल्लाह कोई चीज़ लेता है तो उससे बढ़कर अता करता है, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ अता कर देता है। ए अबू जान, कर गुजरो जो आपको हुक्म दिया गया है, सताजी दुनिया इंशाअल्लाह मिन शाकिरीन, मुझे शुक्र करने वालों में से पाओगे, मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। ये है तरीक़ाकार, ये है कुर्बानी से मिलने वाला सबक, अपने जान, अपना माल, अपने बच्चे, अपनी जान तक सबसे
जो भी चीज़ आपको महबूब है अल्लाह की राह के अंदर दे दो, कुर्बान कर दो, ये कुर्बानी का सबब है। लन तनारुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान में, हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पा सकते यहाँ तक कि तुम वो चीज़ खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है। कुर्बानी के बारे में फरमाया गया ना, अच्छा माल खर्च करो, अच्छा जानवर लो, अच्छा जानवर लेने का मतलब यही, अच्छा माल खर्च करो, बेऐब जानवर हो, उसके अंदर कोई ऐब ना हो, कमज़ोर जवान जानवर हो, ये भी सबक देती है कुर्बानी। जवानी के अंदर इबादत कर, बुढ़ापे में बूढ़े जानवर की कुर्बानी नहीं होती, जिसके जो अपने आप का बिल्कुल उसके अंदर ताकत नहीं है, हड्डियों के अंदर गोदा नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं होती। नौजवान तू कहाँ भटकता फिर रहा है, ये कुर्बानी तुझे सबक दे रही है। बुढ़ापे के अंदर तो हर कोई जाकर इबादत करता है, बुढ़ापे के अंदर और कोई काम ही नहीं है, जवानी में इबादत कर, मज़ा इसी इबादत का है। जवानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पर आ जा। जानवर तलाश करते हो, देखते हो कोई इसके कान के अंदर कोई नुक्स ना हो, इसके टांग के अंदर कोई नुक्स ना हो, इसके अंदर कोई ऐब ना हो, बेऐब जानवर तलाश करते हो, लेकिन खुद को बेऐब करने की कोशिश क्यों नहीं करते, खुद को बेऐब क्यों नहीं बनाते। तुम जानवर बेऐब तलाश कर रहे हो, कुर्बानी का जानवर तुम्हें नसीहत कर रहा है, तुम्हें एक सबक दे के जा रहा है कुर्बानी का जानवर। मैं कुर्बानी का जानवर जिसे आप ज़िबा कर रहे हैं वो आपको सबक दे रहा है कि देख तूने ज़िबा करने के लिए तो मुझे बेऐब तलाश किया, तूने बेऐब जानवर किया, लेकिन तू खुद हराम खोर है, तू खुद सूद खोर है, तू खुद चोर है, तू खुद जानी है, तू खुद अल्लाह के दर से अल्लाह के दर का बागी है, तू बेनमाज है, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह के अंदर जिहाद करने जिहाद का नाम नहीं लेता, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह के अंदर जो नेकी के काम है वो तू नहीं करता, हर काम तेरे अंदर अल्लाह की बगावत का है, झूठ तू बोलता है, गीबत तू करता है, मुसलमानों से लड़ाई तू करता है, फसाद और बगावत तेरे अंदर है, झगड़े तेरे अंदर हैं, ज़्यादतियाँ तेरे अंदर हैं, लोगों के हक तूने मारे हुए हैं, और तू कुर्बानी कर रहा है कुर्बानी का जानवर, यूं समझो एक बहुत बड़ा सबक दे के जा रहा है कि मैं बेऐब हूं, तूने मुझे तो बेऐब तलाश करके ज़िबा किया, लेकिन तेरे अंदर कितने ऐब हैं। अपने आप को भी बेऐब करने की कोशिश कर, अपने आप को भी साफ करने की कोशिश कर, अपने आप को भी पाक करने की कोशिश कर। जैसे मैं मेरी कुर्बानी कुर्बानी का जानवर तब कबूल किया जाएगा जब वो बेऐब हो, बेऐब ना हो तो वो कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। मेरे भाइयों, मैं और आप भी देखें मेरे अंदर कितने ऐब हैं, आपके अंदर कितने ऐब हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमने पता नहीं कितने कितने हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं, जन्नत तो है ही हमारी, जन्नत में तो जाएंगे ही हम। मेरे भाइयों, अपने आप को बेऐब करो, अपने आप को साफ करो, अपने आप को पाक करो, अपना तज़किया करने की कोशिश करो। कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब शख्स वो है जो अपना तज़किया कर लेता है, जो अपने आप को पहचान लेता है, अपनी खुदी को पहचान लेता है, जो अपने रब की मार्फत हासिल कर लेता है, जो अपने रब्बुल आलमीन को समझ जाता है, रब्बुल आलमीन की मार्फत जिसे हासिल हो जाए, इस्लाम की मार्फत जिसे हासिल हो जाए, जो अपने आप को बेऐब बना ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही लोगों के आमाल कबूल किया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुर्बानी से जो सबक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देना चाहता है, जो कुर्बानी के जानवर से हमें सबक मिलते हैं, जो इसके अंदर हिकमतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन असबाक को अच्छी तरह समझने की और फिर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो तमाम हिकमतें, वो तमाम आमाल के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, वो तमाम जो खुशियां हैं और वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है इंसान से, जो कुरान का मतलूब इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम।